महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इसके पिता का नाम कृष्णा घटाम नेनी है और इनकी मां का नाम इंदिरा देवी है। महेश बाबू के 2 भाई और 3 बहन है, जिसमें भाई का नाम रमेश बाबू और नरेश बाबू है और इनकी बहन का नाम पद्मावती, मंजुला और प्रियदर्शनी है। महेश बाबू ने नम्रता शिरोदकर के साथ 10 फरवरी 2005 को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। महेश बाबू का 1 बेटा और 1 बेटी है, जिसमें बेटे का नाम गौतम कृष्ण बाबू है, जिसका जन्म 31 अगस्त 2006 को हुआ था और बेटी का नाम सितारा बाबू है, जिसका जन्म 20 जुलाई 2012 को हुआ था। आज इस वीडियो के माध्यम से महेश बाबू के 15 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म के बारे में आपको बताएंगे। 15 नंबर पर है अर्जुन। यह मूवी 18 अगस्त 2004 को सिनेमा घर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, कृति रेड्डी, श्रिया शरण, प्रकाश राज थे। इस फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 14 नंबर पे है अथाडू। यह मूवी 10 अगस्त 2005 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, त्रिशा कृष्णन, सोनू सूद, ब्रह्मानंद, प्रकाश राज नस्सर थे। इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 13 नंबर पे है ओक्काडू। यह मूवी 15 जनवरी 2003 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, प्रकाश राज, भूमिका चावला, तेलंगाना शकुंतला, मुकेश ऋषि थे। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 12 नंबर पे है पोकारी। यह मूवी 28 अप्रैल 2006 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, प्रकाश राज, एलिना डी क्रूज, ब्रह्मानंद, आशीष विद्यार्थी, मोहम्मद अली थे। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 11 नंबर पे है बिजनेसमैन। यह मूवी 13 जनवरी 2012 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, काजल अग्रवाल, प्रकाश राज, राजा मुराद, सियाजी शिंदे थे। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 10 नंबर पे है सितम्मा वकीतलो। यह मूवी 11 जनवरी 2013 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, दुगुबती वेंकटेश, समंता रुद्र प्रभु, राव रमेश, वेणु माधव थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 9वें नंबर पे है नैनो कडिने। यह मूवी 10 जनवरी 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, कृति सेनन, नस्सर, सियाजी शिंदे, पोसानी, कृष्ण मुरली थे। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 8वें नंबर पर है ब्रह्मोत्सवम। यह मूवी 20 मई 2016 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, काजल अग्रवाल, प्राणिथा सुभाष, समंता रुद्र प्रभु, राव रमेश, सियाजी शिंदे थे। इस फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 7वें नंबर पर है दुकुडू। यह मूवी 23 सितंबर 2011 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, समंता रुद्र प्रभु, प्रकाश राज, ब्रह्मानंद, सोनू सूद, सियाजी शिंदे, वेनिला किशोर थे। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 6ठे नंबर पर है स्पाइडर। यह मूवी 27 सितंबर 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, रकुलप्रीत सिंह, जया प्रकाश, सियाजी शिंदे थे। इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 5वें नंबर पर है श्री मंतुडू। यह मूवी 7 अगस्त 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, श्रीति हसन, जगपति बाबू, राजेंद्र प्रसाद, संपत राज थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 4ठे नंबर पर है सरकारू वारी पाता। यह मूवी 12 मई 2022 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, कृति, सुरेश, सौम्या मेनन,
वेनेला किशोर महेश मुजरेकर थे। इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। तीसरे नंबर पर है महर्षि। यह मूवी 9 मई 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, पूजा हेगड़े, अलारी नरेश, प्रकाश राज, मीनाक्षी दीक्षित, अनिशा डामा थे। इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दूसरे नंबर पर है भारत आने नेनू। यह मूवी 20 अप्रैल 2018 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, कियारा आडवाणी, प्रकाश राज, पोसानी, कृष्ण मुरली, सितारा थे। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 220 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। पहले नंबर पर है सरीलेरू निकेवरू। यह मूवी 10 जनवरी 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना, विजया शांति, प्रकाश राज, जयप्रकाश रेड्डी थे। इस फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इन सब मूवी में महेश बाबू की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी कॉमेंट में जरूर बताएँ।